राजस्थान के सीएम भजनलाल के बूंदी रोड शो में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस कार में सीएम भजनलाल शर्मा रोड शो कर रहे थे, उस कार में तेज धमाके के साथ रेडिएटर फट गया। रेडिएटर फटने से गाड़ी बंद हो गई और बोनट से धुआं निकलने लगा। मौके पर साथ में चल रहे सीएम सिक्योरिटी और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सीएम को नीचे उतार कर दूसरी गाड़ी मंगवाई, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सांसद प्रत्याशी ओम बिरला पैदल ही सभा में पहुंचे। जैसे ही सीएम की गाड़ी में तेज धमाका हुआ तो मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत गाड़ी को दूर ले जाकर खड़ा किया, जहां पता चला कि अत्यधिक गर्म होने के चलते रेडिएटर फट गया था। सूत्रों की माने तो तेज गर्मी के चलते रेडिएटर में पानी की कमी हो गई थी और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर चले रोड शो में हीटिंग होने की वजह से रेडिएटर का चैम्बर फट गया और बोनट से धुआं निकलने लगा। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा इस दौरान नहीं हुआ, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जिस जीप को रोड शो में शामिल किया, उसे जीप की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर किसने दी थी।